केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वैसे ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार नेटबंदी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान इंटरनेट शटडाउन का हॉटस्पॉट बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 10 सालों में राजस्थान में कुल 88 बार सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है, जबकि साल 2012 से जम्मू कश्मीर में 411 बार इंटरनेट सेवा बंद की गई। सबसे पहले राजस्थान राज्य में कब कब नेट बंद हुआ उसके तौर तरीकों पर बात कर लेते हैं। जब राजस्थान के सीएम गहलोत से अपनी सरकार नहीं संभलती तो उदयपुर और जयपुर के होटलों में अपने नेताओं की पहले बाड़ेबंदी करते हैं और फिर नेटबंदी भी कर देते हैं ताकि उनके नेता किसी दूसरी पार्टी में नहीं भाग जाएं। जब उनकी सरकार राज्य में प्रतियोगी परीक्षा कराती है तब भी नेटबंदी कर दी जाती है ताकि पेपर लीक नहीं हो, फिर चाहे रिजल्ट लीक हो जाए और रिजल्ट लीक होने के से पेपर भी रद्द हो जाए। और जब सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मानव समाज को ना संभाल पाए तो भी नेटबंदी कर दी जाती है, जैसे उदयपुर में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेटबंदी क्या लगा रखी है, क्योंकि राजस्थान में इंटरनेट बंद होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने से स्टूडेंट को खासी परेशानी उठानी पड़ी थी। यही नहीं, बाजार में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो पाने के कारण दुकानदार व ग्राहकों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं प्रदेश में लगातार इंटरनेट सेवा बंद रहने के कारण करोड़ों रुपए के व्यापार का नुकसान भी हुआ है। लेकिन असल दिक्कत यह नहीं है, दिक्कत इससे भी कहीं बड़ी है, जो आप आगे वीडियो में जानेंगे। यही नहीं, राजस्थान में पिछले साल तो इंटरनेट पर रोक लगाने के सारे रिकॉर्ड सरकार ने तोड़ डाले थे। परीक्षा में नकल रोकने के नाम पर 5 दिनों तक इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी, इसके बावजूद पेपर लीक और नकल के मामले नहीं रोके जा सके। वैसे मैं खुद मानता हूं कि महीने में 1-2 दिन नेटबंदी हो ही जानी चाहिए ताकि हम इंसान जो एक दूसरे से बात करना भूल गए हैं वो वापस सीख जाएं। पर इसमें मेरा मत यह भी है कि नेट चालू रहते हुए भी हम एक दूसरे से बात करना सीख सकते हैं। खैर, विषय पर वापस आते हैं। राजस्थान में जुलाई के शुरू में लगभग 4-5 दिन के बाद इंटरनेट की दुनिया चालू हुई। लगभग 5 दिन तक नेट बंद रहा। अब आप कहेंगे कि यह कौन सी बड़ी बात है, उदयपुर घटना को देखते हुए समाज हित में नेट बंद भी कर दिया तो कौन सी गलत बात है। हम भी कहते हैं समाज हित में नेटबंदी करना अच्छा कदम है, लेकिन इस अच्छे कदम पर गहलोत सरकार से कुछ सवाल है कि पिछले 5 दिन में नेटबंदी रही जिसकी वजह से लगभग 1 लाख उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं चुका पाए, तो क्या सरकार और बिजली विभाग उन 1 लाख उपभोक्ताओं से इस बिजली बिल पर पेनल्टी लेगी? जैसे कोरोना के समय बिजली विभाग ने अपनी नाकामी से समय पर बिजली बिल नहीं दिया पर बिजली बिल पर पेनल्टी जरूर ली थी, वह भी जबरदस्ती और अपनी गलती के बावजूद। और यही नहीं, 5 लाख किसान लगभग 180 करोड़ रुपए का हर्जाना भरेंगे। कारण है नेटबंदी, जो किसानों को 30 जून तक भरना था। तो क्या इस बार भी सरकार की गलती का नतीजा इन नागरिकों को ही भुगतना पड़ेगा? जो मैं ऊपर कह रहा था वह असल समस्या यही है। नेटबंदी के फायदे हो या नहीं हो, पर इन उपभोक्ताओं और किसानों को नेटबंदी के ऐसे कदम से जरूर नुकसान होगा और सरकार इस नुकसान की कभी कोई भरपाई करती नजर नहीं आती, क्योंकि जब कोई शासक सरकार चलाने में नाकाम हो तो वह किसी और को दोष मढ़ने लगता है। और अक्सर सरकार अपनी नाकामी की सजा हम नागरिकों को देती है। सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर एक इंसान जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है और फिर उसी इंसान से सरकार अपनी नाकामी के नाम पर उसके मुंह में से ही निवाला छीन लेती है। तो अब सरकार को चाहिए कि वह अपनी कार्यशैली सुधारें, ना कि नेटबंदी करके अपनी नाकामी को छुपाएं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो में किसी प्रकार की कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।